गाइज रिकवर एंड्रॉयड डेटा विदाउट रूट। यस गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि गाइज आपका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, फोटोज़ है, वीडियोस है, कॉन्टैक्ट है, वो डिलीट हो जाता है किसी कारण, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे गाइज बहुत ही आसानी से आप सारे के सारा डेटा जो है रिकवर कर सकते हैं। फिर चाहे गाइज आप मैसेजेस को रिकवर करना चाहते हैं या फिर गाइज आप जो यहाँ पे अपनी फोटोज़ या फिर वीडियोज़ को रिकवर करना चाहते हैं। यही नहीं दोस्तों, यदि आप जो है यहाँ पे आपकी कोई इंपॉर्टेंट कोई भी गाइज यहाँ पे वीडियोस फोटोज डिलीट हो जाती हैं, ऐसे में दोस्तों आप चाहते हैं हमको रिकवर कर ले, तो कैसे गाइज करना है मैं आपको बताऊंगा। गाइज बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यदि गाइज आपका डिवाइस कई बार क्या होता है कि आपका गाइज यहाँ पे पानी में गिर जाता है, डिवाइस यहाँ पे ख़राब हो जाता है, फिर टूट जाता है, फिर गुम हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में गाइज आप कैसे अपना इंपॉर्टेंट डेटा, यही नहीं व्हाट्सअप का डेटा, कॉन्टैक्ट्स और भी गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा, यानी कि कुल सारा का सारा डेटा आप रिकवर कर सकते हो। तो चलो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इसके लिए गाइस आप सभी को एक सॉफ्टवेयर की जो है हेल्प लेनी है, जो कि है UltFone Android Data Recovery। जी हाँ दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही आसान है गाइस इसको यूज़ करना, एंड इसकी मदद से गाइस आप काफ़ी सारा जो है एंड्रॉयड से रिलेटेड जो है इश्यूज़ को घर बैठे फिक्स आउट कर सकते हैं। देखो गाइस यहाँ पे जो एंड्रॉयड डेटा रिकवरी विदाउट रूट, यही नहीं गाइस आपका डिवाइस स्टक हो जाता है, कुछ भी गाइस प्रॉब्लम आती है उनको भी गाइस फिक्स आउट कर सकते हैं। एंड साथ दोस्तों आप यहाँ पे जो सिस्टम डेटा को भी रिकवर कर सकते हो। और यही नहीं गाइस, इसमें जो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस यहाँ की आपके गाइस यहाँ पे व्हाट्सअप पे गाइस कोई डेटा है वो भी आप रिकवर कर सकते हो, गूगल ड्राइव डेटा भी रिकवर कर सकते हो, जो कि आपको न्यू फीचर के अंदर देखने को मिल जाता है। और यही नहीं गाइस, आपको यहाँ पे सपोर्टेड है 700+ एंड्रॉयड फोन के साथ गाइस ये सपोर्टेड है, आप बहुत ही आसानी से गाइस आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर फॉर वेरियस सर्च। ठीक है गाइस, आपको किन किन कारणों के कारण आपका डेटा चला जाता है, लूज हो जाता है, तो ऐसे में आप कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं। देखो गाइस यहाँ पे कई बार आपका डिवाइस जो टूट जाता है, पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर गाइस डैमेज हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, या फिर गाइस फ्लैश हो जाता है डिवाइस, बूट फेलियर हो जाता है, या फिर गाइस आपका सामने गाइस यहाँ पे आता है सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो ऐसे में गाइस आपका काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो होता है व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट्स, चैट्स और भी गाइस काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो गाइस यहाँ पे डिलीट हो जाती है, फिर गाइस मिस हो जाती हैं, तो ऐसे में गाइस आप कैसे इसको रिकवर कर सकते हो। यही नहीं गाइस, आप डिटेल में जा सकते हैं, यहाँ पे आप फोटोज़ वीडियोज़ को रिकवर कर सकते हैं, यदि आपकी कोई इंपॉर्टेंट फोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं वो डिलीट हो जाती हैं, आप उनको रिकवर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सएप का डेटा रिकवर कर सकते हो। तो चलो गाइस, इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप में मिलेगा। ठीक है, आपको गाइस सिंपली अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो आपको विंडो पे सिलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर ले। चलो हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको फिर ओपन करना है आपको। ओपन करने से गाइस कुछ इस तरीके का आपके सामने जो इंटरफेस निकल के आता है, आप सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और ये रहा गाइस इसका इंटरफेस, काफ़ी इजी है और मैं आपको बताऊंगा डीपली कैसे आपको इसको यूज़ करना है, सिंपल सा गाइस प्रोसेस है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की गाइस और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ठीक है, यूजफुल वीडियोज़ के लिए। एंड सिंपली गाइस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो गाइस यहाँ पे इस तरीके से इसकी बफरिंग कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट के बटन पे गाइस आपको क्लिक करना है, स्टार्ट क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने इस तरीके का जो इसका इंटरफेस आएगा। अब आपको डिवाइस को सबसे पहले अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको चार्जिंग केबल से अपने डिवाइस को लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर फाइल्स एंड डेटा करके इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने इस तरीके से डिवाइस को कनेक्ट करना है अपने पीसी और लैपटॉप से। ठीक है, अब आपको गाइस यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो आपका रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। अब आपको गाइस सिंपली यहाँ पे इस तरीके का इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलो गाइस इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप जो है ना सिर्फ गाइस कहाँ पे व्हाट्सएप का डेटा बल्कि आप कॉन्टैक्ट्स, अपनी फोटोज़, वीडियोस, देखो गाइस यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। देखो गाइस यहाँ पे किन किन चीज़ों से अपना डेटा रिकवर कर सकते हो, गूगल ड्राइव से कर सकते हो, रिकवर डेटा फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज, साथ दोस्तों आपका म्यूज़िक, या फिर गाइस यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, व्हाट्सअप डेटा है, उसको आप रिकवर कर सकते हो। यही नहीं गाइस, आप वी चैट यूज़ करते तो उसका भी डेटा आप रिकवर कर सकते हो, और बिजनेस डेटा भी आप अगर गाइस आप जो है व्हाट्सअप यूज़ करते थे, गाइस कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा है काम काज से रिलेटेड, उसका भी गाइस आप रिकवरी मार सकते हैं बहुत ही आसानी से, साफ साफ पढ़ सकते हैं गाइस यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ आसानी से आपके रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, हम फोटोज़ वीडियोज़ को सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए गाइस सिलेक्ट करते ही आपके सामने अब जो है इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको गाइस सिंपली क्या करना है, अपने डिवाइस में जाके यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, डिवाइस को कनेक्ट रखना अपने पीसी और लैपटॉप से, यहाँ पे सर्च करना है गाइस बिल्ड नंबर। ठीक है, आपको बिल्ड नंबर सर्च करना है। ठीक है, तो सर्च करेंगे गाइस, उसके बाद दोस्तों बिल्ड नंबर पे आपको कम से कम 5 से 6 बारी टैप करना है, आपको डेवलपर ऑप्शन जो है एक्टिवेट करना है। तो मेरा गाइस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, आपको गाइस यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 6 से 7 बारी एक्टिवेट करना है, यानी कि दोस्तों क्लिक करना है, आपका डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर गाइस आप डेवलपर ऑप्शन को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डेवलपर ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको यूएसबी डबिंग
आपको सर्च देखना है, ठीक है, तो उसको कैसे इनेबल कर देना है ताकि कैसे हमारा जो रिकवर हो सके सक्सेसफुली। तो देखो यहाँ पर यूएसबी डबिंग, तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है, इसको इनेबल करना है, ओके करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली बैक कर देना, अलाउ कर देना है, यहाँ पे टिक मार करके इसको अलाउ कर दो, एंड देन गाइस आपको बैक करना है, ठीक है। चलो गाइस हम आगे चलते हैं मेन प्रोसेस पे। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो फोटोज़ वीडियोस को जो है रिकवर करना चाहते हैं, तो सिंपली गाइस वहाँ पे आ रहा है रिकवर करने के लिए, तो आपको गाइस यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपके सामने निकल के आ जाती है। देखो गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है आप कौन सा डेटा रिकवर करना चाहते हो, यदि आप कॉन्टैक्ट्स करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हो, फोटोज़ करना चाहते हो, या फिर वीडियोज़ करना चाहते हो, ऑडियोज़ करना चाहते हो, या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हो, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सारे का सारा डेटा भी रिकवर कर सकते हो। बट गाइस मैं जो है अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ को रिकवर करना चाहता हूं, तो इसलिए गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली हम फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर वीडियोज़ को कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो जो आपको करना है जरूरी है, जो जो चीज़ें आप उनको सिलेक्ट कर लें, फोटोज़, मैसेजेस, वीडियोज़। तो फिलहाल अभी के टाइम गाइस मैं जो है सिर्फ और सिर्फ गाइस यहाँ पे मैं फोटोज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की जो है प्रोसेसिंग होगी। अब आपका गाइस यहाँ पे जो स्टार्ट हो चुका है रिकवरी का काम, ठीक है। अब इस तरीके की गाइस विंडो खुलेगी, आप देखोगे गाइस यहाँ पे कॉर्नर पर देख सकते हो यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे मात्र 3 से 4 मिनट वेट करना है एंड आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। आगे का गाइस प्रोसेस मेन है, इसमें ऐसा नहीं कि आपका बस अभी रिकवर हो गया। अब देखो गाइस इसने टोटल मेरी गाइस यहाँ पे 600+ यानी 600+ मेरी फोटोज़ को रिकवर किया है। अब मैं गाइस यहाँ से बारी बारी से करके जो है कोई भी फोटो सिलेक्ट करता हूँ जो गाइस मैं रिकवर करना चाहता हूँ। इसने गाइस सारी की सारी मेरी जो है यहाँ पे कर दी है। मैं चाहूँ तो गाइस सारी सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, बट गाइस मैं यहाँ पे अब चाहता हूँ कि कुछ चुनिंदा फोटो को, कुछ गाइस इंपॉर्टेंट फोटोज़ को मैं ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल नहीं करूँगा, मैं कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि गाइस मेरे को चाहिए, मैं वापस रिकवर करना चाहता हूँ। तो सिंपली गाइस हम जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उनको, सिलेक्ट करने के बाद आपको गाइस क्या करना है, सिंपली आपको सिलेक्ट कर देना है इस वाले ऑप्शन पे रिकवर पे। चलो गाइस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने गाइस कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आएगा, इसको टिक मार्क करें एंड देन गाइस आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब गाइस आप देखते हैं यहाँ पे इसको बताया जा रहा है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जी हाँ, तो आपको लाइसेंस बाय करना है सबसे पहले आपको। तो गाइस मेरे पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है इसलिए मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, बट आपको गाइस यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, जी हाँ, तो क्योंकि आपके पास अगर जो है रजिस्टर की है तो आप कर सकते हो। वैसे गाइस ज्यादातर लोगों को यहाँ पे बाय नाउ करना पड़ेगा, तो गाइस यहाँ पे आप लाइसेंस ले जाके यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइसेंस ले लेना है, बहुत ही गाइस चीपेस्ट प्राइस मिल जाएगा आपको। तो सिंपली गाइस यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, देखो गाइस यहाँ पे आ रहा है 1 मंथ का लाइसेंस आ रहा है आपके सामने, 1 ईयर लाइसेंस आ रहा है और काफी गाइस लाइफ टाइम लाइसेंस भी आ रहा है। तो जो भी गाइस आपको सही लगता है वो वाला ऑफर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो गाइस यहाँ पे 1 मंथ लाइसेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और गाइस यहाँ पे आप 1 ईयर वाला भी ले सकते हैं। काफी गाइस अच्छा है सिस्टम, इसमें गाइस काफी डिवाइस आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने गाइस ऑलरेडी यहाँ पे 1 मंथ वाला लाइसेंस ले लिया है, आप भी गाइस ले सकते हैं 1 ईयर वाला या फिर लाइफ टाइम वाले भी ले सकते हैं लाइसेंस। तो लाइसेंस लेने के बाद आपको सामने गाइस यहाँ पे जो है एक रजिस्टर की और गाइस यहाँ पे दी जाएगी कोड, और उसके बाद दोस्तों इसको जो है यहाँ पे पेमेंट भी सारे के सारे मेथड अवेलेबल है, ठीक है। तो चलो गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ अपना लाइसेंस की, तो सिंपली मैं एंटर करूँगा जाके एंड यहाँ पे गाइस रजिस्टर पे क्लिक करूँगा मेरे को, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी है, बट आपको यहाँ पे बाय नाउ करके एक रजिस्टर की लेना है, यानी कि दोस्तों लाइसेंस की लेनी है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिकवर पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे डाल देना है जो भी गाइस मेरे पास जो है, मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस की है, इसलिए गाइस यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा अपनी लाइसेंस की। तो यहाँ पे गाइस मैंने ऑलरेडी अपनी लाइसेंस की को एंटर कर दिया, अब मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, ठीक है गाइस। तो आपको ये सबसे पहले बाय नाउ पे जाना है, ठीक है। अब मैंने गाइस यहाँ पे कर दिया सक्सेसफुली। अब गाइस यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे थोड़ी सी बफरिंग लेगा, देखो गाइस यहाँ पे एक्टिवेशन कोड एक्टिवेट हो चुका है, अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा एंड गाइस यहाँ पे जो है मैं सक्सेसफुली गाइस यहाँ पे जितनी भी मैंने फोटो सेलेक्ट की थी यहाँ पे रिकवर पे क्लिक करूँगा एंड टिक मार्क करूँगा एंड देन गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लिक के अंदर गाइस यहाँ पे आप बताया जाएगा आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, यानी कि दोस्तों आपको अपने पीसी में जिस भी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। देखो गाइस यहाँ पे एक क्लिक के अंदर मेरी जो है ये लैपटॉप एंड पीसी में सेव हो चुकी हैं सारी की सारी फोटोज। तो गाइस आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखो कितनी आसानी से सारी की सारी रिकवर कर दिए मैंने रिकवर सक्सेसफुली। तो आप सभी गाइस यहां पे देख सकते हैं UltFone Android Data Recovery, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके गाइस डाउनलोड करें, एंजॉय करें, रिकवर करें। थैंक यू गाइस।